अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। तुम जरूर सुन लेती हो क्योंकि तुम्हारे जो इतने इतने से कान है ना, ये मेरी ही तरफ लगे रहते हैं। बड़ी बहन है तुम मेरी, कान तो क्या मेरी नजरें भी तुम पे रहती है। अब्बा, मेरी तवज्जो सब पर होती है, बल्कि मेरी नजरों से कोई नहीं बच सकता। तो कैची को समझाओ ना, अगर कोई नाराजगी हो भी गई है या लड़ाई हो गई है तो इस तरह घर आकर बैठना मुनासिब नहीं है। ठीक है, बस कर दो हिजाब, मुझे ज्यादा नसीहतें मत करो। मैं नसीहतें नहीं कर रही, तुम गलत बात कर रही हो, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ। इस वक्त ना तुम खुद गलती पर हो, तुम दोस्त के बजाय दुश्मन की हिमायत कर रही हो। माजी की गलतियों को बुलाने में वक्त तो लगेगा ना, कुछ तो सब्र करना पड़ेगा। तो क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी? मनु उस मारी फरियाल को बताया कि मेरा शौहर आ रहा है मुझे लेने के लिए, और तू है कि हमेशा बदपाले बोलेगी अपनी बहन के लिए। इसीलिए बोल रही हूँ कि फोन करके पूछ लो कहाँ रह गए हैं। हाँ भाई इमरान, क्या मसला है तुम्हारे साथ और ये इतने दिनों से गायब कहाँ हो? अरे कहाँ गायब हूँ, गायब हो सकता हूँ कोई ब्लैकबेरी की नज़रों से। तो फिर नज़र क्यों नहीं आ रहे थे इतने दिनों से? अरे क्या बताऊँ भाई, बिजी था, काफ़ी सारे इवेंट्स आ गए थे, ऊपर से न्यू ईयर के इवेंट्स और काफ़ी सारी शादी की तकरीबात भी थी। वो तो ठीक है, लेकिन काम के साथ घर भी देखा जाता है, पता है ना तुम्हें? हाँ तो देखता हूँ ना, मेरी तो जिम्मेदारी है वो। मुझे तो नहीं दिख रहा, अपनी बीवी की खैर खबर लेते नहीं हो तुम, वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अरे भाई आज ही तो बात हुई है उससे, वो उसने बताया नहीं होगा तुम्हें ना? बताया था मुझे, लेकिन एक बात बताओ, वो तुम्हें कब से फ़ोन कर रही है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे और इतने दिनों से यहाँ क्यों छोड़ा हुआ है हमारे घर? अरे यार ब्लैकबेरी क्या बताऊँ तुमको मैं। अच्छा देखो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ, लेकिन तुम वादा करोगे तुम मेरी मदद करोगे इसमें? हाँ ठीक है, बताओ क्या बात है, लेकिन बात सुनो, अगर कोई गलत बात की ना या झूठ बोला तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। अरे मैं झूठ क्यों बोलूँगा, सब कुछ सच सच ही बताऊँगा तुम्हें। ठीक है बताओ। यार मम्मा ने बहुत तंग किया हुआ यार, मेरी अम्मा से लड़ती है, सुबह दोपहर शाम लड़ती है, बदतमीजी करती है मेरी अम्मा से, खुदा की कसम बहुत परेशान हो गई हूँ यार मैं। मैंने तुम्हारी बात सुन ली है और समझ भी ली है, मैं करता हूँ माफी से बात, आइंदा तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देंगे। शुक्रिया, मैं भी वादा करता हूँ कि मेरी तरफ से भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हाँ बल्कि ये बात तुम याद रखना, आइंदा तुम्हारी तरफ से अगर मुझे शिकायत का मौका मिला ना। अरे मैंने कहा ना शिकायत का मौका नहीं, बल्कि शिकायत ही नहीं मिलेगी, शिकायत का मौका दूर बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठीक है तो भाई काम करो, कल घर आओ और वो माँ बाप को साथ ले जाओ, वैसे भी इस काम में मजीद वक्त ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं है। हाँ आता हूँ कल सुबह आता हूँ मैं। ठीक है मैं निकलता हूँ फिर। क्या हुआ ख्याम बेटा, कुछ परेशान लग रहा है हो? जी मुमानी जान, अम्मी की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी। अल्लाह खैर, कैसी हाल है ख्याम बेटा? अब तो बेहतर हैं, लेकिन कल का कुछ नहीं पता। मेरी दुआएं तो ख्याम बेटा के साथ हैं, देखो ये अचानक कैसा वक्त आ गया है। बस ये फिक्र है कि मेरे यहाँ रहते हुए उन्हें वहाँ कुछ ना हो जाए। ना ही होगा कुछ ख्याम, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छे की उम्मीद तो है,
लेकिन मामानी जान, हमेशा तो किसी ने नहीं रहना ना, हर किसी ने एक ना एक दिन जाना ही है। ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है। काश मेरी जिंदगी में ऐसा ना हुआ होता। बचपन में बाप का दुख देखा और अब माँ का दुख देखने की सकत नहीं है मुझमें। ऐसा नहीं कहते, ये तो उसी का काम है, वो ही जाने। और तुम तो अभी जवान हो, लंबी उम्र पड़े है तुम्हारे लिए। वो तो ठीक है, लेकिन जो वक्त माँ के साथ गुजारना था वो अय्याशियों में गुजार दिया, और अब पीछे मुड़ के देखा तो पता लगा कि कितना कम वक्त बाकी रह गया है। यही गनीमत है बेटा कि तुम अपनी माँ की जिंदगी ही में सही रास्ते की तरफ चल पड़े, और यही तुम्हारे लिए बेहतर हुआ। तुम्हारी माँ तो मुतमईन है ना? हाँ, ये भी है, लेकिन बस उनकी आखिरी ख्वाहिश रह गई है जिसे पूरा करने के लिए मैं आपके घर पर पड़ा हुआ हूँ। खयाम बेटा, मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं तुम्हारे साथ हैं। आपका बहुत शुक्रिया मामानी जान, लेकिन बस मुझ पर एक एहसान कर दें। अम्मी की जिंदगी में हिना को मेरे हक में राजी कर दें। हाँ भाई रोमियो, अब क्या मसला आ गया है जो इतनी इमरजेंसी में बुला लिया? भाई वो ऐसे ही सलमान से मेरी बात हुई है, उसने ऑफर दी। ऑफर? कैसी ऑफर? इलाके में गुलाब गोली के लोगों का असर रसूख बढ़ता जा रहा है और उन लोगों की बदमाशियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। वो तो ठीक है, लेकिन इससे हमारा क्या ताल्लुक? ताल्लुक बनता है ना, गुलाब गोली से निजात के लिए लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। लेकिन मैं तो वादा कर चुका हूँ कि ये सारे काम छोड़ दूंगा, और तुम भी मत भूलो, तुमने भी वादा किया था, याद है ना तुम्हें? लेकिन भाई क्या करें, हमारी ज़रूरत तो है ना इन लोगों को। इस तरह तो ये लोग इलाके के शरीफ लोगों को तंग करते रहेंगे। ठीक है, फिर तुम एक काम करो, शोका और बैटरी को आगे करो, उनसे काम करवाओ, तुम पीछे ही रहना। हम तो फिर भी फंस गए ना। देख रोमियो, ये काम ना दलदल की तरह है, इससे निकलना बेशक बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें एक ना एक दिन इससे निकलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उस पुलिस वाले का क्या करूं? अबे उससे क्यों डर रहा है तू? वो किस खेत की मूली है? भूलो मत, इससे बड़े बड़े लोगों से हम निमट चुके हैं। वो तो ठीक है, लेकिन उस वक्त हम ताकत में थे और अब हमारे पास ताकत नहीं है। फिर भी मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का होता है। हाँ, ये भी ठीक कहा तुमने, मतलब हम मरे हुए हाथी हैं। एक घामर, मिसाल दे रहा था तुझे, मिसाल लेके समझा रहा था। हाँ, इतना तो पता है मुझे, थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा मैं हूँ। 2 जमातें और पढ़ लेता ना, तेरे लिए अच्छा हो जाता। 2 जमातें ज़्यादा पढ़ता तो इस तरह तो मैं तुमसे आगे हो जाता, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक भी नहीं समझते हो।
अब तो हम रिश्तेदार हैं ना। वो तो ठीक है, लेकिन आजकल संजीदा रहकर मेरे साथ, पुरानी बात अलग थी। ओके। मुझे ले जाने आए हो ना? हाँ शायद, लेकिन और भी अच्छा होता अगर मैं खुद अपनी खुशी से आता। क्यों, क्या आप अपनी खुशी से नहीं आए? आप कुछ दिन सब्र करती तो आ जाता अपनी खुशी से और अपनी मर्जी से, लेकिन। लेकिन क्या? मैंने तो कोई आपसे वैसी बात भी नहीं की। हाँ मुझसे तो नहीं की, लेकिन किसी और के जरिए तो कहलवाया ना। किसके जरिए? मेरी तो किसी से कोई बात नहीं हुई सिवाय तुम्हारे। दिमाग पर जोर दो थोड़ा सा, घर में किसी और से ये बात नहीं की? हाँ, क्लोपत्रा से मैं थोड़ी बहुत बात कर लेती हूँ, सायरा छोटी बहन है वो मेरी, कहीं उसने रोमियो को कुछ ना बताया। रोमियो की बात नहीं है। अरे तो खुल के बात करो ना, अब ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुमने एक मरतबा फिर अपनी बात मनवा ही ली ना, और वो भी अपने भाई ब्लैकबेरी के जरिए। ब्लैकबेरी? लेकिन मैंने तो उससे कुछ भी नहीं कहा। बहरहाल कल वो मिला था मुझे। हाँ, मेरे ही कहने पे मिला था। कि नब्बू, आप आपसे किसने कहा? अरे बाप हूं तुम्हारा, क्या मुझे नहीं पता कि तुम खुश हो या परेशान हो? इसीलिए मैंने ब्लैकबेरी से कहा था कि इमरान से बात करे। अब सुन लिया आपने, मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं की, और अगर आप अपनी खुशी से नहीं आए हैं ना मुझे लेने, तो मैं भी नहीं जा रही, मेरी भी खुशी नहीं है। सोमा, बेवकूफ़ी की बात मत करो, वो तुम्हें लेने आया है, खुशी से जाओ उसके साथ, बात को तुलना दो। अरे अब्बू आपने सुना नहीं है, ये मुझे लेने यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। मुझे आना ही था, अगर ब्लैकबेरी ना भी कहता तो मैं आने का इरादा कर ही चुका था। अच्छा तो फिर क्या मसला है तुम्हें, अब इतने नखरे क्यों कर रहे हो? अरे हुमा शोहर हूँ मैं तुम्हारा, और ब्लैकबेरी से इस तरह मेरी शिकायत करना मुझे अच्छा नहीं लगा। ये मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और ना ही भाई अब आइंदा ऐसा कुछ करूंगी। हाँ हाँ तो फिर ठीक है ना, फिर तैयारी करो और जाओ अपने शोहर के साथ। और सुनो गौर से, अपने शोहर के घर को अपना घर समझो, और उसकी माँ को अपनी माँ समझो, घर बनाओ, उसको बसाओ बेटा। जी अच्छा अब्बू, मैं भी बैग लेकर आती। और मियाँ तुम भी मेरी बात गौर से सुनो, अरे छोटी छोटी बातों पर लड़ाई नहीं करते, हुमा को खुश रखने की कोशिश करो। जी अंकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लड़ाइयाँ हमेशा छोटी छोटी बातों पर ही होती हैं। बहुत नाजों से पाला मैंने अपनी बेटियों को, मैं इनकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे अब्बू क्या हो गया, इतनी जज्बाती बातें, वो भी मेरे बारे में, पहली दफा सुन रही हूँ मैं तो। अरे पगली तुझे क्या पता बाप का दिल कैसा होता है। अरे भैया मैं तो जा रही हूँ, इमरान मुझे लग रहा है इन्होंने कोई रात में ना ब्लैक एंड वाइट फिल्म देखी है, वो भी पुराने दौर की। अरे बेटा ये फिल्म नहीं, मेरे दिल की बात है, बस अब तुम तैयारी करो और इमरान के साथ जाओ, और खुश रहो बेटा अपने घर में। अच्छा भैया चले इमरान घर चले, आप बैग लेके आ जाए, मैं जरा जा रही हूँ मोटरसाइकिल तक। हेलो, यस दिस इज ख्याल, कुड यू प्लीज से इट क्लियरली, बट डॉक्टर व्हाट डू यू मीन?
हयान 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 बेटा, अरे हयान बेटा, तुम ऐसे ऐसे क्यों बैठे हुए हो और रो क्या हो गया हो बेटा, क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया मुमानी जान। क्या क्या कह रहा है तू? बेटा समीता तू ठीक हो ना? वो तो ठीक है ना बेटा? अम्मी हमें छोड़ कर चली गई। तुम्हें हिम्मत हार के तो क्या फायदा? हिम्मत तो तुमने करनी है ना बेटा मेरा। सबर से काम लो मेरा बेटा। सेना सेना, अरे सेना बेटा जल्दी आओ। जी अम्मी। जल्दी से पानी लेकर आ बेटा, जाओ जल्दी पानी लेकर आ। उनकी भी ख्वाहिश पूरी तुम्हें करनी है बेटा। सेना पानी पी लो बेटा, पानी पी लो। नहीं पीना मुझे, मैं यहां इतनी दूर बैठा हूं और मेरी मां वहां। अकेली रह गई। ये सब अल्लाह की रजा है। ये जो कुछ भी होता है ये अल्लाह की मर्जी से होता है। ये सब अल्लाह की मंशा है बेटा। उठो उठो बेटा, हिम्मत से काम लो बेटा, उठो। कहाँ गायब थे सुबह से? कहीं नहीं यार, बस कुछ जरूरी काम थे इसलिए गया था। कैसे जरूरी काम? तुमने वो सब काम कहीं दोबारा शुरू तो नहीं कर दिए? अरे नहीं नहीं, अभी तक तो शुरू नहीं किए, लेकिन दबाव बहुत है मेरे ऊपर। कैसे दबाव? अब तुम्हें कैसे बताऊं, मैं तो इस दलदल से बाहर निकलना चाह रहा हूं, लेकिन वो मुझे अपनी तरफ खींच रही है। कोशिश करते रहो, अपनी जगह पे मजबूती से डट के खड़े रहो, बहुत जल्दी बाहर निकल आओगे। वो तो ठीक है, लेकिन इस दलदल के, इस कीचड़ के निशान तो रह जाएंगे ना, उनसे कैसे छुटकारा पाऊं? जब इस दलदल से बाहर निकल आओगे तो वो निशान भी धुल जाएंगे। अगर इंसान चाहे तो सब कुछ साफ सुथरा और उजला कर सकता है। हाँ ये तो तुमने ठीक कहा, चाहे वो इंसान का जमीर हो या किरदार। बिल्कुल। वैसे तुम्हारी इसी बात पर एक और बात याद आ गई है मुझे। वो क्या? हम चाहे ना तो इस घर को भी साफ सुथरा कर सकते हैं। कर तो सकते हैं, कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इतना आसान काम नहीं है ये। तो करो ना मेहनत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो उम्मा आप ही अपने घर चली गई है, अब यहाँ की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। देखिए तुम्हारी छोटी बहन क्लू बतरफ, वो तो यही मौजूद है ना। अरे नहीं नहीं, वो तो इतनी कोई चालाक भी नहीं है, बहुत सीधी सादी है। अपनी बहन सबको सीधी ही लगती है। अरे नहीं, तुम मेरी बात का यकीन करो, वो बेवकूफ़ी में ना सारे काम कर लेती है। तुम अगर चाहो ना तो उसे साथ मिला सकती हो, बल्कि मैं तो कहता हूँ तुम उससे दोस्ती कर लो। माफ़ करना, वो इस काबिल नहीं है। मुझे तो लगता है इस घर में कोई भी इस काबिल नहीं जिससे दोस्ती की जाए। आहा, अब तुम्हारी पुरानी दोस्त हिजाब भाभी जो आ गई हैं, उनके सामने तुम्हें किसी और की ज़रूरत ही क्या है? जी नहीं, वो भी सिर्फ अपने मतलब की ही है। मतलब की है? क्यों, क्या हुआ? कल हुआ बाजी के सामने उन्होंने मेरी बेइज्जती की, मेरी हिमायत करने के बजाय उनकी हिमायत कर रही थी वो। तो इसका मतलब है तुम्हारी तरफ से कोई गलती हुई होगी ना, इसी वजह से तुम्हारा साथ नहीं दिया उन्होंने। अच्छा तुम भी उन्हीं की बात पे अहमियत दोगे? मेरी कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है मेरी? अरे नहीं नहीं, अहमियत तो है, बल्कि मेरी नज़र में तुम्हारी अहमियत नहीं होगी तो और किसकी होगी? तो फिर हारून भाई से तो हिजाब को समझाए, हिजाब को और मेरा रिश्ता इस घर में बराबर का ही है। नहीं फरियाल, हिजाब भाभी को जितना मैंने समझाया ना, वो किसी की गलत बात में तरफदारी नहीं करती। यानी तुम मुझे गलत समझ रहे हो? हाँ हो सकता है तुमसे कोई गलती हुई हो और तुम्हें इस बात का एहसास ना हो,
अब तुम मुझे ना समझ और बेवकूफ भी कह रहे हो। पता है क्या, तुम मुझे भी गलत समझ रही हो, बल्कि मेरी बात समझना ही नहीं चाह रही। ऐसे ही हूं मैं। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है ना तो मुझसे बात मत करो, जा रही हूं मैं। अरे फरियाल क्या हो गया है? नहीं करनी बात। बात तो सुनो मेरी। अरे यार तुम गुस्से में हो,